हेलो गाइस, आज मैं चिकन बना रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं तो मैंने कढ़ाई में तेल पहले से ही डाल दिया है और मिक्सी में मैंने प्याज पीस ली थी। तो मैं आज 2 किलो मीट बनाने वाली हूँ। मैंने इसे तेल को पका दिया है पहले से ही और अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ और इसे लाल होने तक भूनते हैं। मेरा चिकन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। करना होगा इसके रेड होने तक। मैंने पहले तेल डाला था, तेल ज़्यादा था इसलिए मैंने वो कटोरी में डाल दिया ताकि ज़्यादा ना हो जाए। ये गरम मसाला भी लिया है, खड़ा मसाला भी है। इसमें हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, अगर आप हींग डालना पसंद करते हैं तो आप हींग डाल सकते हैं। तो मैं इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, ये आप डालना चाहे तो डालो, वैसे मैं नहीं डालूंगी, और थोड़ा सा जीरा डालूंगी। आप देख सकते हैं कि प्याज कैसे खदक रही है। अब मैंने जो टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया है मैं उसे इसमें ऐड कर देती हूँ। मैंने खल्लड़ में बड़ी इलायची और छोटी इलायची को कूट लिया है और मैंने ये सारी सब्जी में ऐड कर दिया है। डालने के बाद इसे मैं थोड़ा देर चला देती हूँ। चलाने के बाद थोड़ा वेट करती हूँ 5 मिनट के लिए। हल्का सा जीरा ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। दाने काली मिर्ची के, आप इसमें लौंग भी डाल सकते हैं लेकिन ज्यादा ना डालें, हद से ज्यादा 2 या 3। तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड करी है। सामान यूज करने के बाद आप इसे अलग रख दें ताकि आपकी जो स्पेस है वो भरना जाए, खिचपिच ना हो जाए ज़्यादा। अब मैं इसे चला देती हूँ। चलाने के बाद इसमें मैं लाल मिर्ची और हल्दी ऐड करूँगी, साथ साथ नमक ऐड करूँगी। तो ये ली मैंने लाल मिर्ची, काफ़ी है, और ये मैंने हल्दी ली, ये मैंने इसमें डाल दिया और डालने के बाद इसे अच्छी तरह चला देते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें ज़्यादा तेल ऐड नहीं किया है, तो मेरा जो पेस्ट है वो थोड़ा ड्राई है। घर में
ज़्यादा ऑयली चीज़ खाना पसंद नहीं करते, कभी कभी चल जाता है, लेकिन नॉन वेज में तो ऑलरेडी ऑयल होता है, तो चिकन भी अपना ऑयल थोड़ा बहुत छोड़ेगा ही, तो इसे मैं चला के छोड़ देती हूँ। कल से ढक देती हूँ और थोड़ी देर बाद इसका कलर देखते हैं। 5 मिनट के लिए। गाइस, मैंने मसाले में थोड़ी सी दही ऐड कर दी है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। कर दिया और एक एक दो दो पीस करके मैंने ये ग्रेवी में ऐड किए। मैं इसके पानी को रख लेती हूँ और यही पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब थोड़ी देर इसे भुनने के लिए छोड़ देते हैं। आज किचन में पापा जी आए हैं राइस बनाने के लिए, तो ये चिकन के साथ सर्व किए जाएंगे। पापा ने इसमें पहले देसी घी डाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा जीरा, काली मिर्ची, लौंग और प्याज भुनने के लिए डाली है, तो इसका ब्राउन होने का वेट किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्याज अपना धीरे धीरे कलर ले रही है। इस कई होटलों में काम भी किया है। पापा जी, किस किस होटल में काम किया है? अशोका होटल और कुतुब होटल और अकबर होटल और जनपद होटल और IGDC के जितने भी होटल हैं दिल्ली में, सब में काम किया है। मैंने ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग की है। ये क्या डाला पापा जी आपने? सॉल्ट, नमक। नमक डाला है। इससे पहले पापा जी को ऑफर भी आया था जॉब के लिए। पापा जी कौन से होटल से आया था? अशोका होटल से। अशोका होटल से 2 बार आया था, लेकिन मैं ये जॉब नहीं करना चाहता था। Why? इंटरेस्ट नहीं था। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था इस जॉब में। कहाँ है वो ग्लास? एक ग्लास इसमें डाल चुके हैं। डेढ़ ग्लास है चावल? डेढ़ ग्लास। उसके बाद मेरी जॉब पार्लियामेंट में लग गई थी, पार्लियामेंट हाउस राज्यसभा में मेरी जॉब लग गई थी, फिर मैं वहाँ चला गया था। कितने साल हो गए पापा जी वहाँ पे? 36 साल। 36 साल 1 महीना। 36 साल 1 महीना। अब मेरा रिटायरमेंट का दिन आने वाला है नजदीक। कब है रिटायरमेंट? 30 सितंबर 2021। एक सीटी लगने तक। ये पापा जी ने कुकर का ढक्कन लगा दिया। एक सीटी लगने तक। एक सीटी का वेट करते हैं अब। ओके। अरे ये क्या, अजय भी आए हैं।
भैया नमस्ते, और कैसे हो? सो गाइज, हमारे घर में मेहमान आ चुके हैं। अजय भैया का काफी देर से वेट हो रहा था। तो अब मैं इसे सेकती हूँ। फूल गई मेरी रोटी, फूल गई। हाँ, रोटी फूल गई मेरी। देखो, रोटी फूल गई। अच्छी लग रही है ना? कहीं से भी नहीं जली हुई। हाँ, मुड़ गई, मुड़ गई है तो। अरे यार, ऐसे देख लो, पिचक गई। अब तो मुझे बिल्कुल गोल रोटी बनाने आती है, ऐसे दिखाई नहीं देगी। सो गाइस, मैं मोहित जी के पास आ गई हूँ खाना लेके, और मुझे बहुत भूख लगी है। मोहित जी ने तो स्टार्ट भी कर दिया है, स्टार्ट तो मैंने भी कर दिया था। तो पहले पूछते हैं कि मोहित जी से कि टेस्ट कैसा है। कैसा है टेस्ट? बहुत बढ़िया, शुक्र है, उनको पसंद आया। खैर, उन्हें उनकी कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें कैसा भी खाना दे दो, हर खाना पसंद करते हैं। सो गाइज, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय। मुझे बहुत भूख लगी है, अभी खाने दो, जाओ जाओ।